जनपद संभल में कृषि बिल के विरोध में किसान नेताओं के आह्वान पर ट्रेन रोके जाने की आशंका को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। संभल जिले के सभी रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस पीएससी और जीआरपी तैनात कर दी गई है। चंदौसी में ट्रेन रोकने के लिए कृषि मंडी में इकट्ठे हुए किसानों को पुलिस ने कृषि मंडी में ही रोक दिया है। आंदोलनकारी किसान कृषि मंडी में कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने कृषि बिल के खिलाफ विरोध जताने के लिए ट्रेन जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन किसानों के रेल रोकने के ऐलान को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन आज सुबह से ही अलर्ट पर था। जिले के चंदौसी, धनारी, बरबाला, भेजोई रेलवे स्टेशन पर प्रशासन के निर्देश पर सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस पीएससी और जीआरपी के जवान तैनात कर दिए गए थे, जिसकी वजह से किसान ट्रेन रोके जाने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। चंदौसी में किसानों ने कृषि मंडी में इकट्ठा होकर छपरा एक्सप्रेस रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने किसानों को कृषि मंडी में ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने कृषि मंडी में ही कृषि बिल के विरोध में धरना देकर सरकार से किसान बिल वापस लिए जाने की मांग दोहराई है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ने से पहले किसान की बेटी हूं, और किसान की बेटी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे आज किसान भाई बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी राजनीतिक गतिविधियों को भूलकर मैं उनके साथ खड़ी हूँ, और आज भी मैं उसी जो है भावनाओं के साथ इनका सहयोग के लिए यहाँ समर्थन करके जो है बैठी हुई हूँ। जिस तरीके से सरकार ने एक मूड बनाया है कि किसानों को मजदूरों में कन्वर्ट किया जाए, हमारी जो विगत सरकारें रहीं उन्होंने किसानों को सबल करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए MSP का निर्धारण किया था, ताकि अगर किसी भी कृषि पर MSP लग रही है तो किसानों के मनोबल को बढ़ावा मिले, हमारे उत्पादन को बढ़ावा मिले, भारत में ही इतना उत्पादन हो जाए कि हमारे भारत के लोगों का पालन पोषण सही ढंग से हो पाए। ये नीति जो पहले हमारे सन 1962 में हुआ करती थी, वही स्थिति हमारी जो आज की वर्तमान सरकार ला करके खड़ा करना चाहती है, क्योंकि आज जो कृषि कानून, जो तीनों कानून काले कानून कहा जा रहा है, ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा है, वाकई में काले कानून है। उन्होंने केवल दो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका पूरे भारतवर्ष में व्यापार खड़ा करने के लिए और अपनी राजनीति को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए, आपने हमारे देश के किसानों का गला घोटने के लिए कानून को बना करके तैयार किया है, और हम कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, हर तरीके से हम किसानों के साथ हैं जब तक ये जो है तीनों बिल वापस नहीं हो जाते। क्या कार्यक्रम है और किस किस मांग को लेकर आप यहाँ पर बैठे? कार्यक्रम हमारा यह है कि राष्ट्रीय आह्वान पर आज का आह्वान था कि रेल रोक के हम ज्ञापन देंगे। रेल रोकने का हमारा प्रोग्राम था और है, हम चूँकि अभी सरकार ने रेल रोक दिया, वो प्रोग्राम तो हमारा सफल हो गया और आज 12 से 5 बजे तक रेल नहीं चलेगी। मांग हमारी यह है कि 85-86 दिन हो गए आज का के दिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान बढ़े, सरकार से 11 दौर की वार्ता होगी लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हम ये स्टेप बाय स्टेप आंदोलन कर रहे हैं किसानों के द्वारा कि कभी कुछ बदल गए। आज रेल लोग का पूरे भारत में रेल लोग को आंदोलन है, उसके बाद माध्यम से हम ज्ञापन देंगे सरकार के लिए कि सरकार की आंखें खुलें और जो बंद कान है वो कान खुलें, वो किसान की आवाज़ सुने कि किसान क्यों परेशान है। जो हमारी तमाम उद्योगपतियों के 2 लोग के या 4 लोगों के एक फ़ायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों किसानों का जो नुकसान किया जा रहा है, वो किसान उन 2 लोगों के हित के लिए करोड़ों किसानों की बलि जो कि हिंदुस्तानी किसान संगठन है वो नहीं देने देंगे। हमारी आज के ज्ञापन में मांग है कि सरकार तीनों काले कानून तुरंत वापस ले, MSP को कानूनी जामा पहना है, MSP से नीचे खरीद के लिए अपराध घोषित किया जाए। दूसरा, दिल्ली 26 जनवरी में जो घटना हुई थी उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जो निर्दोष लोग जेल में हमारे किसान बंद कर दिए उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।